हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनकुक और त्यांग एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों बहुत ही जल्दबाजी कर रहा था। जनकुक ने त्यांग से कहा, क्या देखकर नहीं चल सकते हो? लगता है उम्र के साथ अंधे हो गए हो, इसलिए नहीं देख पाते हो। त्यांग बहुत ही गुस्से में जनकुक से कहता है, हे तुम बातें संभाल कर करो, क्योंकि देखकर मुझे नहीं तुम्हें चलना चाहिए। तुम देखकर नहीं चल सकते हो क्या? आजकल के लड़के को क्या हो गया है, वो देखकर भी नहीं चलता है और ऊपर से हमें दोष देता है। और तुम मेरी उम्र की बात कर रहे हो, तुम कितने साल के हो? जनकुक ने कहा, 21, और आप तो 40 साल के लगते हो। त्यांग बहुत ही गुस्से में कहता है, क्या मैं 40 साल का लगता हूँ? मैं 30 ईयर्स का हूँ। तुमने मुझे 10 साल बड़ा बना दिया, जनकुक ने कहा, क्योंकि तुम लगते ही वैसे हो। त्यांग ने कहा, तुम्हें मुझे आप करके कहना चाहिए, तुम मुझे तुम करके क्यों बोल रहे हो? दोनों आपस में बहस कर रहा था। जिमिन आ जाते और कहता है, त्यांग क्या लगा कर रखा है तुमने? क्या वो बच्चा है तो तुम भी बच्चा बन जाओगे क्या? तुम इस तरह से बहस नहीं करना चाहिए। वैसे भी आज तुम्हारी शादी है, चलो मेरे साथ। त्यांग ने कहा, मेरी शादी है और मुझे ही नहीं पता। जिमिन ने कहा, ऐसे मत बोलो, तुम्हें पता है, चलो अभी, वरना तुम्हारे ब्रदर बहुत ही गुस्सा करने वाला है। आर्यन ने मुझे बहुत बार कॉल किया है, तुम्हें पता है ना? त्यांग ने कहा, पता नहीं कौन आ रहा है मुझसे शादी करने के लिए और मेरा दिमाग खराब कर देगा। जनकुक ने कहा, उसकी फूटी किस्मत है जो वो तुमसे शादी करने के लिए आ रहा होगा। और यही कहते जनकुक यहाँ से चले जाता है। त्यांग ने कहा, क्या कहा उसने? जिमिन ने कहा, कुछ भी नहीं, चलो अभी, वरना लेट हो जाएंगे। उसके बाद त्यांग को लेकर आ जाते हैं। आर्यमन जिन ने कहा, क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो गए है? वो लोग आता ही होगा। यहाँ पर जनकुक वो आ जाता है और कहता है, हे मुझे मिस्टर आर्यम और मिस्टर जिन से मिलना है। तो आर्यम और जिन ने कहा, हम दोनों ही हैं। तुम? जनकुक ने कहा, मैं जीवन जनकुक। उन दोनों ने कहा, तो फिर तुम हो, तुम कितने बड़े हो गए हो, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए क्या? जनकुक बहुत ही सैड होकर कहता है, उन लोगों की मौत हो चुकी है, आपको बताना भूल गया, या फिर जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि आप लोग सैड हो जाते। उन लोगों ने अपनी मौत के पहले में एक लेटर लिखा था और आप लोगों ने शादी की डेट को पहले फिक्स करके रखे थे ना। उन लोगों ने आप लोगों से बात करने की कोशिश किया था, लेकिन उन दोनों की किस्मत उन दोनों को इससे पहले ही ऊपर ले लिया। आर्यन ने कहा, बहुत बुरा हुआ, हमने भी बहुत बार कॉल किया है, इसलिए शायद नहीं उठा पाया। जिन जनकुक को हक करते हुए कहता है, अपना दिल छोटा मत करना, अब से हम ही तुम्हारे पेरेंट्स हैं। जनकुक ने कहा, मैं दिल छोटा नहीं करता हूँ, मुझे अपना दिल बड़ा रखना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अगर जिंदा होते ना, मैं कभी शहर नहीं आ पाता। वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उन लोगों ने मुझसे कहा खुश रहने के लिए, तो मुझे उन लोगों के लिए खुश रहना है। मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे अभी खुश रहना है, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। आर्यन कहता है, तुम तो बहुत ही बिरेप हो। यहाँ पर त्यांग जनकुक को देख कर गुस्से में कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जनकुक ने कहा, हे ओल्ड मैन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, क्या तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर आ गए? त्यांग गुस्से में कहता है, लगता है तुम पागल हो गए हो, ये घर मेरा है और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? हाँ, क्या तुम मेरा पीछा करते हुए मेरे घर पर आ गए ताकि तुम मेरे बारे में बता सको कि मैंने क्या किया है ना? जनकुक ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में बताने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तो शादी करने के लिए यहाँ पर आना था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले ही कह दिया था, मुझे इस घर में आना है और इस घर में रह जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड इसी घर में है, बहुत ही हैंडसम है, मैंने सुना है, मुझे वो दिख नहीं रहा है। जिमिन खसते हुए कहता है, तुम्हारे सामने ही है। जनकुक ने कहा, क्या क्या तुमने अभी कहा कि वो मेरे सामने है? कहे तुम ये तो नहीं कहने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो मेरे सामने खड़ा हुआ है 40 साल का ओल्ड मैन, यही मेरा हस्बैंड है। त्यांग ने कहा, तुम पहले मुझे 40 साल का बोलना बंद करो, मैं 40 साल का नहीं हूँ, 30 ईयर्स का होने वाला हूँ। जनकुक ने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा तुम 30 ईयर्स के हो? त्यांग ने कहा, क्या मतलब है? जनकुक ने कहा, अगर तुम अपनी शक्ल की बड़ा बजा कर रखोगे तो 40 साल का ही लगोगे ना, तुम्हें खुश रहना चाहिए जैसे कि मैं रहता हूँ। त्यांग ने कहा, मुझे तुम्हारे जैसा नहीं रहना है। और दोनों बहस करने लग जाते हैं। जिमिन उन दोनों की इस बहस को देख कर खुश हो रहा था। जिन और आर्यन ने कहा, बस करो तुम दोनों, अब तुम दोनों लड़ना मत शुरू कर देना, कुछ दिन बाद तुम दोनों की शादी होने वाला है और तुम दोनों आपस में ही लड़ रहे हो। उसके बाद जनकुक और त्यांग ने कहा, लेकिन हम शादी नहीं करना चाहते हैं एक दूसरे से। आर्यम और जिन ने कहा, तुम दोनों की शादी होकर रहेगा, क्योंकि जनकुक की पेरेंट्स से हमने प्रॉमिस किया है,
चाहे किसी भी हालत हो, लेकिन तुम दोनों की शादी होकर ही रहेगा। तो फिर जनकू का त्याग ने कुछ दिन बाद ही शादी कर लिया और दोनों एक दूसरे से बहुत ही नफरत करता है। जनकुक ने त्यांग से कहा, मैं कभी भी आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। त्यांग कहता है, मैं भी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ मजबूरी में रहना पड़ेगा और एक ही बेड को शेयर करना पड़ेगा। जनकुक कहता है, हाँ मैं भी यही कहने वाला था। दोनों एक दूसरे के साथ बेड शेयर करता है, लेकिन कोई किसी के साथ बात नहीं करता है। दोनों दूसरी तरफ मुड़कर सो जाते हैं। पूरी रात किसी को नींद नहीं आता है। जैसे ही सुबह हो जाता है, दोनों के सर बहुत ही भारी सा लग रहा था। जिन और आर्यन त्यांग और जंकू को देखकर कहता है, क्या हुआ, क्या तुम दोनों कल रात को नहीं सोए क्या? पूरी रात जगे हुए थे। और दोनों मुस्कुराने लगता है। आर्यन और जिन को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर जंकू का त्यांग शर्मिंदा हो जाता है। जिमिन युंगी को लेकर आ जाता है और आर्यन और जिन से कहता, आप लोग इस तरह से मुस्कुराओ मत, आप लोग की वजह से मेरे दोस्त शर्मिंदा हो रहा है। ये कहते वो दोनों भी मुस्कुराने लगता है और त्यांग और जंकू दोनों ही गुस्से में जा रहा था, लेकिन दोनों को ही रोक लिया। उसके बाद सब लोग मिलकर आपस में ब्रेकफास्ट करते हैं और बहुत ही हंसी मजाक हो रहा था। जनकू को इस घर में बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। उसके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद उसने अपने आप को संभाला, उसके बाद शहर आया और शादी किया। त्यांग को वो पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी इस फैमिली के साथ इस तरह से जुड़ गया था जैसे कि ये फैमिली उसका ही हो। आर्यन और जिन जनकू के साथ बहुत ही अटैच हो गया है। अब तो त्यांग से ज़्यादा प्यार जनकू से करता है, लेकिन जनकुक त्यांग की लाइफ की बराबर जाने वाला है। लेकिन त्यांग धीरे धीरे से जनकुक से प्यार करने लगा था। जब जनकुक सोता रहता है, वो बहुत ही मासूम लगता है, जो देखकर त्यांग को उससे प्यार हो गया। और त्यांग जनकुक के साथ बहुत ही प्यार से पेश आ रहा था। उसकी चाहने से पहले उसको वो चीज़ मिल जाता है जो उसको चाहिए होता है। एक दिन त्यांग को ऑफिस में बहुत ही लेट हो गया था, वो बहुत ही काम में बिजी था। जिन त्यांग के लिए बहुत देर तक बैठा हुआ था, लेकिन खाना ठंडा होने लगा था। जनकुक ने जिन से कहा, आप जाकर सो जाइए, मैं उसके लिए इंतज़ार करता हूँ, वो आ जाएगा तो मैं खाना गर्म कर दूंगा। जिन ने कहा, लेकिन तुम जाकर सो जाओ, तुम बहुत ही थक गए होंगे। तो फिर जनकुक ने कहा, मेरी उम्र के लगा अगर थक जाएगा तो कैसे चलेगा। उसके बाद वो त्यांग के लिए इंतज़ार किया और पूरी रात वो नहीं सोया। त्यांग सुबह के 5 बजे घर वापस आया और उसने देखा कि जनकुक चेयर पर बैठा हुआ है और त्यांग के लिए खाना लेकर बैठा हुआ था। त्यांग जनकू को इस हालत में देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अभी तक सोए नहीं? जनकू कहता है, वो मैं बस ऐसे ही बैठा हुआ था, मुझे नींद नहीं आ रहा था। लेकिन त्यांग जनकू के आंखों में नींद को देख सकता है। उसने जनकू से कहा, तुम जाकर सो जाओ, मैं खा लूँगा। जनकू ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देता हूँ। त्यांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से कर सकता हूँ, तुम्हें किसने कहा बैठ कर रहने के लिए? जनकू ने कहा, तुम बहुत थक गए होंगे ना, तो मैंने बस सोचा कि तुम्हारे लिए बैठकर इंतज़ार करता हूँ, मुझे ये सब कुछ करना अच्छा लगता है, मैंने पहले से ही सोच कर रखा था। जब मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी की बात मुझसे कहा था, तभी से ही मैंने सोच कर रखा था, मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाऊंगा और उसका इंतज़ार करूंगा। त्यांग ने कहा, तो फिर क्या तुमने ये बनाया है? जनकुक ने कहा, नहीं, मैंने आज खाना तो नहीं बनाया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर सकता हूँ। त्यांग ने कहा, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ, तब तक तुम गर्म कर लो। जनकुक त्यांग के लिए खाना गर्म करते उसके लिए बैठा हुआ था। त्यांग आ जाते हैं और जनकुक से कहता है, चलो साथ में खाना खाते हैं। जनकुक ने कहा, मुझे नहीं खाना है, मैंने पहले ही खा लिया था। त्यांग ने कहा, थोड़ा सा खा लो, इतनी देर तक तुम मेरे लिए इंतज़ार किया है, भूख तो लगे होंगे ना। जनकुक कहता, मुझे नहीं खाना है। त्यांग ने अपने हाथों से जनकुक को खाना खिलाया। जनकुक को बहुत अच्छा लगा, पहली बार जनकुक त्यांग की तरफ से उसके लिए प्यार दिख रहा था और त्यांग ने उसके लिए जो दिल में जगह बनाया है उसको भी महसूस कर पा रहा था। जनकुक बहुत ही क्लियर हो रहे थे अपनी रिलेशनशिप को लेकर। त्यांग ने जब उसकी होठों पर उंगलियों से फेराते हुए कहा, लो मैंने तुम्हारे मुंह साफ कर दिया, अब तुम जाकर सो सकते हो, मैं सारी डिशेज को क्लीन कर दूंगा। जनकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं साथ में कर दूंगा ना, तुम जाकर रेस्ट करो, तुमने बहुत सारा काम किया होगा ऑफिस में। त्यांग ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे इन सारी चीज़ों की आदत है। लेकिन जनकुक त्यांग के साथ डिशेज क्लीन करने में मदद करता है। लेकिन अब जनकुक को बहुत ही नींद आ रहा था और नींद के मारे वो चल नहीं पा रहे थे। त्यांग ने जनकुक को गोद में उठा लिया। जनकुक कहता है, क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो, मैं खुद से जा सकता हूँ। त्यांग ने कहा, मैंने देख लिया है कि तुम किस तरह से जा रहे थे। उसके बाद त्यांग जनकुक को बेड पर लेटा देता है, लेकिन जनकुक
तियांग की टी शर्ट को खींच कर अपने ओर लेकर आता है। तियांग जनकुक की फुरेट पे खिसकाते हुए कहता है, गुड नाइट। जनकुक ने तियांग को छोड़ दिया। तियांग उसके साइड पर ही सो गए। जैसे ही तियांग ने जनकुक की साइड पर सो गए, जनकुक तियांग के ऊपर अपने हाथ पे उठा देता है और तियांग को कस के पकड़ते सो जाते हैं। तियांग जनकुक के बालों में हाथ को सहलाते हुए कहता है, तुम बहुत ही क्यूट हो और मैंने तुम्हारे जैसे लड़के को कभी नहीं देखा जो बहुत ही मुँहफाट हो। अपने दिल में जो है वो तुरंत कह देता है, मुझे ऐसे ही इंसान पसंद है। जनकुक को तियांग घूरे जा रहा था। जनकुक नींद में तियांग से कहता है, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो, मुझे नींद नहीं आएगा, प्लीज़ मुझे इस तरह से घूरो मत। तियांग ने कहा, तुम सच में क्यूट हो। ये कहते हुए तियांग ने भी जनकुक को हाथों से कस के पकड़ लिया और सो गए। जैसे ही सुबह हो जाता है, जनकुक और तियांग दोनों की ही नींद टूट गया था। जनकुक और तियांग एक दूसरे को देखे जा रहा था लेकिन कुछ भी नहीं बोलता है और जनकुक अपनी सर को तियांग की चेस्ट पर छुपाने लगता है। तियांग ने जनकुक की फोरहेड पे खिसकाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। तो फिर जनकुक ने भी तियांग को गुड मॉर्निंग कहा। जनकुक अपने होठों को पाउट कर लिया था और तियांग को घूरे जा रहा था और तियांग से कहता है, क्या गुड मॉर्निंग से मुझसे इस तरह से कहता है क्या? हस्बैंड को अपने हस्बैंड से गुड मॉर्निंग किसी और तरीके से कहना चाहिए। क्या आपको ये भी नहीं पता है? तियांग ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है। क्या तुम देखना चाहते हो? जनकुक ने मुस्कुराया। तो फिर तियांग ने भी जनकुक की होठों पर किस कर दिया और बहुत ही गहरा और डीप किस होते चला गया था, बहुत ही लॉन्ग होते जा रहा था। यहाँ पर आर्यम और जिन उन दोनों के नीचे इंतज़ार कर रहा था, लेकिन आज वो दोनों बाहर नहीं आए थे क्योंकि जनकुक और तियांग आपस में ही उलझे हुए थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गया था। फाइनली वो सब कुछ होने लग गया था जो शादी की पहली रात को नहीं हुआ था। दोनों इंटीमेट होने लगे थे। आर्यम और जिन समझ जाते हैं कि दोनों आज निजी नहीं आने वाला है। दोनों ब्रेकफास्ट कर लेता है और ऑफिस चले जाते हैं। यहाँ पर जिमिन वो भी आ गया था तियांग को लेने के लिए, लेकिन तियांग तो अपने काम में ही बिजी था। तो फिर जिमिन भी समझ गया आज तियांग के लिए ऑफिस आना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर जिमिन ने युंगी को कॉल किया। युंगी तियांग की बेस्ट फ्रेंड है और वो उसकी बिजनेस में मदद करता है, इसीलिए जिमिन ने युंगी को कॉल किया ताकि उसकी काम में हेल्प कर सके। युंगी जैसे जिमिन से मिलने के लिए ऑफिस आ जाता है, उसने कहा, तियांग कहाँ है, तुमने मुझे क्यों कॉल किया है, क्या वो ऑफिस नहीं आने वाला है? जिमिन ने कहा, वो नहीं आएगा। तो युंगी और जिमिन साथ में मिलकर काम करना शुरू करता है और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहा था। जिमिन जानबूझकर अपनी शर्ट के दो बटन को खोल कर रखा था ताकि युंगी उसको देखकर सीरियस हो जाए, और युंगी ने भी जिमिन को इस हालत को देखकर समझ गया और जिमिन की गर्दन पर बहुत ही गहरा लबड़ बना दिया और जिमिन से कहा, आइंदा ऐसी हरकतें मत करना वरना इससे भी कहीं बुरा होगा। जिमिन ने कहा, तो फिर तो मैं ज़रूर करने वाला हूँ क्योंकि मैं उस बुराई के लिए बहुत ही इंतज़ार किया है, अब मुझे और इंतज़ार नहीं होता है। युंगी ने कहा, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो? जिमिन ने अपना सर हिलाया। युंगी ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन, डू यू मैरी मी? जिमिन ने तुरंत हाँ कर दिया। यहाँ पर तियांग और जनकुक वो बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। तियांग जनकुक को देखकर कहता है, तुम्हारी बॉडी पे जो निशान है ना, इसको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जनकुक कहता है, तुम बहुत बुरे हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तियांग ने कहा, आखिर ये निशान मैंने बनाया है तो मुझे अच्छा तो लगेगा ही ना। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। तियांग और जनकुक की शादी की एक हफ्ता हो चुका है। अचानक जनकुक उल्टियाँ करना शुरू करता है। आर्यम और जिन ने कहा, क्या हुआ जनकुक, क्या डॉक्टर को बुला लूँ? जनकुक ने कहा, हाँ डॉक्टर को बुलाइए, मैं बहुत ही वॉमिटिंग कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तियांग कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? हमारी शादी के सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है और तुम बोल रहे हो कि तुम प्रेग्नेंट हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जनकुक, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जनकुक कहता है, क्यों नहीं हो सकता है? तियांग कहता है, क्या? तो जनकुक ने कहा, मेरे हस्बैंड जब किम त्योंग हो तो कुछ भी पॉसिबल है, मैं एक हफ्ता तो क्या, एक दिन में भी प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। और सब लोग मुस्कुराने लगता है, जनकुक भी खुद मुस्कुराने लगता है। उसके बाद तियांग से कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे वॉमिटिंग हो रहा था क्योंकि मैंने ज़्यादा खाना खा लिया था, मुझे इतना खाना नहीं खाना चाहिए। तियांग कहता है, आइंदा खाना खाने से पहले ध्यान रखना, ठीक है? जनकुक ने कहा, अगर मेरे हस्बैंड मुझसे इतना प्यार करता हो तो मैं खाने के बारे में ध्यान कैसे रख सकता हूँ? मुझे अपना ध्यान नहीं रखना है, तुम चाहो तो मेरा ध्यान रख सकते हो। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं ही तुम्हारा ध्यान रख लूँगा। उसके बाद जनकुक को गोद में उठा लिया और रूम में लेकर जाने लगा।
आर्यमत जी ने कहा, क्या कर रहे हो त्यांग, कहीं अभी मत शुरू हो जाना। लेकिन त्यांग कहा सुनने वाला था। वो तो जनकू को रूम में लेकर जाते हैं और बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। जनकू कहता है, लगता है आज तुम मुझे प्रेगनेंट बनाकर ही रहोगे। त्यांग कहता है, वो तो मैं तुम्हें बनाकर ही रहूँगा। उसके बाद वो जनकू के साथ बहुत ही क्लोज हो गए और ऐसे दिन बीते गए। अचानक एक दिन पता चला जनकू सच में प्रेग्नेंट है और सब लोग बहुत ही खुश हो गए। त्यांग सुबह से लेकर रात तक जनकू की बहुत ही केयर करता है, जो जनकू को बहुत अच्छा लगता है। जनकू त्यांग को टाइटली हक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह से हक करके रहना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। त्यांग तुम बहुत अच्छे हो, पता नहीं मैं क्यों तुम्हें पहले इतना हेट करता था, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छे हो। त्यांग ने कहा, तुम मुझे हमेशा इस तरह से हक नहीं कर सकते हो। जनकू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्यों क्यों मैं तुम्हें हमेशा हक नहीं कर सकता हूँ, हाँ बताओ मुझे। त्यांग ने कहा, जब तुम्हारी टम्मी बड़ा होने लग जाएगा तब तुम मुझे इस तरह से हक नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब तुम्हारी बड़े से टम्मी हमारे बीच में आ जाएगा और इसीलिए तुम मुझे इस तरह से हक नहीं कर पाओगे। जनकू बहुत ही अपसेट हो जाता है। तो फिर त्यांग ने जनकू को पीछे से हक करते हुए कहा, तुम नहीं कर पाए तो क्या हुआ, मैं तुम्हें इस तरह से हक कर लूँगा, ठीक है ना। जनकू बहुत ही खुश हो जाता है और ऐसे ही त्यांग जनकू की ध्यान रखना शुरू करता है। हर रोज़ त्यांग जनकू के लिए अपने हाथों से जूस बनाता है और सुबह की ब्रेकफास्ट से लेकर रात तक डिनर जो है त्यांग अपने हाथों से ही बनाते हैं, क्योंकि त्यांग खुद जनकू की ध्यान रखना चाहता है। और इसी तरह से त्यांग ने जनकू का ध्यान रखा और देखते ही देखते वो घड़ी आ गया जब जनकू बच्चे को जन्म देने वाला था। त्यांग जनकू को लेकर बहुत ही डरा हुआ था, जनकू के कर तो लेगा ना। त्यांग को जनकू पर भरोसा था, लेकिन फिर भी त्यांग को बहुत ही डर लग रहा था। जनकू जो करने वाला है ना वो कोई नहीं कर सकता है। त्यांग के लिए जनकू बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। और जैसे ही जनकू ने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर त्यांग दौड़ कर चले गए और पहले डॉक्टर को पूछा, क्या जनकू ठीक है। डॉक्टर ने कहा, वो ठीक है, वो तुमसे मिलना चाहता है। त्यांग तुरंत बच्चे को गोद में लेकर जनकू के पास गया और उसके सामने जाकर बैठ गया और जनकू से कहा, देखो हमारी प्यार की निशानी कितनी क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम उसका क्या नाम रखना चाहोगे। तो फिर जनकुक ने कहा, मैं इसका नाम रखना चाहूँगा किम तेगुक। तो फिर जनकुक की बात सुनकर त्यांग बहुत ही खुश हो गए और जनकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, तो फिर उसका नाम किम तेगुक ही होगा क्योंकि तुमने रखा है। जनकुक त्यांग से कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, मैंने देखा है तुम मेरे लिए कितना डरे हुए थे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें और डरने की कोई ज़रूरत नहीं। त्यांग ने कहा, अब मैं तुम्हें कोई और रिस्क में नहीं डालना चाहता हूँ। लेकिन जनकुक ने त्यांग से कहा, मैं तुम्हारे लिए इस दर्द को फिर से महसूस करना चाहता हूँ और मुझे फिर से एक और बच्चा चाहिए जो तुम्हारे जैसा दिखता होगा। त्यांग ने जनकुक से कहा, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। जनकुक कहता है, आई एम सीरियस। यहाँ पर जिन और आर्यन भी आ गया था और जिमिन और यूंगी भी, उन लोगों ने भी कहा, त्यांग जनकुक ने सही कहा, हमें जनकुक पर पूरा भरोसा है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो ऐसा कर सकता है अगर तुम चाहो तो, क्या तुम कर पाओगे ना त्यांग। त्यांग गुस्से में कहता है, आप लोग कहना क्या चाहते हो, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। और सब लोग मुस्कुराने लगता है, खास करके जनकुक। जनकुक को पता है कि त्यांग कितना स्ट्रांग है और जब त्यांग गुस्सा करता है वो और भी हैंडसम लगता है। जनकुक ने त्यांग से कहा, आई लव यू। त्यांग ने कहा, आई लव यू टू। आई लव यू तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जनकुक ने कहा, अगर तुम मुझे गिफ्ट देना ही चाहते हो तो अपने होठों को पाउट कर लेता है। त्यांग समझ जाता है। उसके बाद त्यांग अपनी दोनों हाथों से कवर करते हुए जनकुक के होठों पर किस कर लिया और सब लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लिया। लेकिन किम तेगुक जो है वो रोना शुरू कर दिया, तो जनकुक और त्यांग को अलग होना पड़ा। जैसे ही त्यांग और जनकुक दोनों ने मिलकर बेबी को गोद में लिया, वो मुस्कुराने लग गए। जनकुक ने कहा, क्या तुम्हें खेलने के लिए और एक ब्रदर और सिस्टर चाहिए। बेबी मुस्कुराने लगता है। त्यांग ने कहा, तुम्हें क्या भाई बहन दोनों चाहिए। बेबी और भी मुस्कुराने लगता है। जनकुक कहता है, त्यांग ज़्यादा हो रहा है, मैंने एक के बारे में कहा था, तुम तो दो बोल रहे हो। त्यांग ने कहा, तुमने कहा तो तुम पांच भी जन्म दे सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और जनकुक कहता है, क्या। जनकुक तो पूरी तरह से डर जाता है। तो गाइस इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।